जो है हम लोग ग्रुप वाइज अच्छे से आराम से करवा देंगे। प्रश्न जो है जो भी है उसको लेना है। पापा को भी आप देख सके कि अभी एकाएक छलांग लगा के टॉप पे बैठने के बाद अपेक्षाएं जो है आपसे बढ़ गई है। खासतौर से जो यूथ हैं पूरे कंट्री के यूथ, न केवल बिहार के, जो ये चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि कैसी तैयारी करनी है कि टॉप तो नहीं बने, कम से कम सक्सेस हो जाए, इसके मेरिट लिस्ट में आ जाए, वो आप तरीका मुझे बताइए। आई थिंक फोकस भी यही होना चाहिए कि आप टॉप करने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करते हैं। जो भी तैयारी होता है उसमें ये बस ये रहता है कि किसी तरह लिस्ट में टॉप 70 में आ जाए या जो भी है कि आईएएस बन जाए। एंड जो ये जंप होता है कि रैंक का जो जंप है वो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट मेरा बस ये एम था कि मैं कंसिस्टेंटली मेहनत करूँ, रिजल्ट की चिंता ना करूँ। इनफैक्ट जब रिजल्ट आने वाला था और जब इंटरव्यू का डेट मेरा 9 सितंबर था, तो 9 सितंबर और 24 सितंबर का शायद रिजल्ट आया, तो उस दौरान मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि किसी को भी नहीं पता होता कि कौन सा रैंक आएगा, एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। सो इवन दो एग्ज़ाम डिसेंट गया था, बट तैयारी आपको जो है वो कंटिन्यूस रखना पड़ता है कि आप कंसिस्टेंटली 2-3 साल आप मेहनत करते हैं, फिर रिजल्ट तो बस उसी का मतलब एक एंड गोल होता है। सो आई थिंक आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए कि आपको कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहिए। और शुभम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक इंजीनियर को जब आर्ट्स पेपर पढ़ना पड़ता है तो उनके लिए कितना मुश्किल होता है कि आपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल पेपर रखा, पीओटी जो है वो इंजीनियरिंग से अलग है, उसके बाद आप देखेंगे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ये सब डिफरेंटली जो है बिल्कुल अलग है, जहाँ के सीधे आप कैलकुलेशन से सीधे आप आ जाते हैं आर्ट्स पेपर में। कितना मुश्किल होता है जो भी इंजीनियर या आईटी बैकग्राउंड से या फिर टेक्निकल बैकग्राउंड से आ रहे हैं उनको ये जानने की उत्सुकता है कि आप कैसे इसको मैनेज करते थे या पहले स्टार्टिंग आपने कैसे किया, और जबकि रैंक एक इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ आईटी बॉम्बे से 2018 में, तो लास्ट सेमेस्टर से मैं तैयारी स्टार्ट की थी। तो उस समय ये सोचा कि चूंकि मेरा सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा डिसेंट था तो मुझे लगा कि सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल रख लेते हैं, तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग 2018 के अटेम्प्ट में सिविल इंजीनियरिंग रखा। बट ये पूरा प्रिपरेशन जो है उसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको सेल्फ इवेल्युएशन करना है कि आपके लिए क्या अच्छा है। आपकी इंटरेस्ट और लाइकिंग भी टाइम के साथ चेंज होता है। सो जब 3-4 महीने प्रिपरेशन में आ गए तो मुझे सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा उसमें इंटरेस्ट थोड़ा कम हो गया, क्योंकि फिर सोशल साइंस काफ़ी पढ़ने लगे, फिर पेपर काफ़ी पढ़ने लगे, तो फिर इंटरेस्ट आया कि सोशल साइंस का सब्जेक्ट भी ले सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट उधर रुझान आ रहा था। जब 2018 का प्रीलिम्स दिया और तभी हुआ नहीं, तो मैं सोचा कि अब ऑप्शनल जो है वो काफ़ी एक बड़ा रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल मार्क्स में। सो मैं डिसाइड किया कि मैं ऑप्शनल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो स्ट्रेंथ था और इंटरेस्ट था वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं सिविल इंजीनियरिंग से दूर जा रहा था। एंड जब भी आप तैयारी स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ा मन में रहता है कि 2-3 अटैम्प्ट तो अच्छा 2 अटैम्प्ट तो कम से कम अच्छे से देंगे। सो उसमें 3 साल लग जाते हैं। सो आपको ऐसा ऑप्शनल सेलेक्ट करना चाहिए जिसको आप 3-4 साल अच्छे से पढ़ सकते हैं विथ इंटरेस्ट। एंड उस समय फिर मैंने 4-5 ऑप्शनल जो है उसका सिलेबस देखा, मैंने लगभग 50 दिन मैंने दिया था अपना ऑप्शनल डिसाइड करने में। तो बहुत बड़ा टाइम होता है जब अगर आप 1.5 साल का अगर आप पूरा एक फ्रेमवर्क बनाते हैं कि 1.5 साल में आपको तैयारी करनी है। सो मैंने लगभग 1.5 महीने दिए और सारे ऑप्शनल का सिलेबस देखा और फिर सेलेक्ट किया। मैंने 4 ऑप्शन सेलेक्ट किए थे एंड में, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रो और साइकोलॉजी एंड PSIR। सारे का सिलेबस देखा, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में पढ़ा और फिर एंथ्रो के बारे में पढ़ा, अच्छा लगा, फिर और किताबें पढ़ी थोड़ी, क्योंकि आपको कंटेंट ऑनलाइन मिल जाता है। सो ट्रैवल अफेयर्स के बारे में पढ़ा, मुझे अच्छा लगा। सो और फिर मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बायो में भी था। सो अपना इंटरेस्ट देखते हुए, अपना स्ट्रेंथ एरिया देखते हुए और मैं GS में लिखने में अच्छा हूँ, ऐसा मुझे ऐसा लगा 6 महीने के प्रिपरेशन के बाद। तो मुझे लगा कि अगर मैं सोशल साइंस लेता हूँ तो मैं अच्छे से लिख पाऊँगा। और जहाँ तक डिफ़िकल्टी की बात है सर, मुझे ऐसा नहीं लगा कि कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, मुझे इनफैक्ट और अच्छा लगा कि मुझे नए तरह का डोमेन पढ़ने का मौका मिला, नए चीज़ें का ज्ञान हुआ। और जब इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो ये सब तो ऐसा था कि एक अंधकार एरिया में था,
कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि देश में क्या हो रहा है, देश का स्ट्रक्चर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, क्या देश में हो क्या रहा है। सो एक तरह से एक अलग ज्ञान हुआ, ऐसा लगा कि एक नया पूरा जो नॉलेज डोमेन था वो अनटस्ट था, तो वो बहुत मेरा जो नॉलेज है वो ब्रॉडन करने ब्रॉडन भी हुआ। आज सुबह मुझे एक प्रश्न है कि जैसा सोशल मीडिया में आप पहले नहीं थे, बाद में आप आईएएस बनने के बाद जब आपने रैंक एक लिया उसके बाद आपने ट्विटर बनाया, ठीक है, आपके नाम से बहुत सारे फर्जी अकाउंट्स भी बनाए गए, जो भी हो वो उसके मतलब जो भी रहे हो, बट एक बात है कि आज का जो जनरेशन है वो सोशल मीडिया में मैक्सिमम टाइम अपना देता है, और मैं हमेशा जब क्लास देता हूँ बोलता हूँ कि स्वीट पॉइजन है, एक से दो घंटा दीजिए। सोशल मीडिया का यूज जब ये करते हैं तो जैसे ही कोई भी एग्जाम के लिए तो हजारों वीडियो हैं, और अगर सुबह से शुरू करें तो शाम तक वो वीडियो ही सबका देखते रहते हैं, तो ये वीडियो देखने का क्या कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्या कैटेगरी किस तरह से हमको देखना है कि हमें जो किसका वीडियो देखना चाहिए, या किस तरह से, या आपने भी अभी स्टार्ट किया है तैयारी कराने के लिए टेलीग्राम पे, उसके बारे में बताइए कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, सोशल मीडिया का यूज करना कितना तक और किस हद तक होना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, बाकी लोगों से कंपैरिजन आप मत करिए, आप खुद का प्रोग्रेस देखिए। जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो मैं टॉपर्स के जो ये होते हैं फाइनल मार्कशीट वो मैं सामने देखा, तीन चार टॉपर्स को देखा कि यार 1000 मार्क्स के आसपास, 900 मार्क्स के अगर लाते हैं तो सिलेक्शन हो सकता है। तो उस एम तक पहुँचने के लिए आपको जो भी चीज़ आपको रोकती है उससे आप दूरी बनाएं। सो अगर मैं फेसबुक खोला एक दिन, जस्ट तैयारी जब स्टार्ट कर, मैंने 2nd जन 2018 से स्टार्ट किया था, 2 जनवरी से, सो फेसबुक स्टार्ट किया तो मैं 1 घंटा मेरा टाइम वहाँ गया, तो फिर एनालाइज हुआ कि यार ये तो गलत बात है, 1 घंटा वहाँ चला गया, तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फेसबुक को डीएक्टिवेट करूँगा और सोशल मीडिया पर नहीं रहूँगा। सो वो मेरा खुद का कॉन्शियस डिसीजन था। सो आपको आपके लिए जो भी चीज़ आपको अपने एम से रोकती है आप कोशिश करके 2 साल तक आप माइंड को ऐसा ट्रेन करिए, माइंड को बहुत इजीली फुसलाया जा सकता है, मैं अपने पूरे तैयारी में ये देखा हूँ। आप माइंड को बोलिए कि 1 महीने बाद, ठीक है 1 महीने तक मैं नहीं यूज़ करूँगा, 1 महीने बाद देखेंगे, फिर 1 महीने से 2 महीने हो गए, फिर 1 साल हो गए और अभी तो मन ही नहीं करता उतना यूज़ करने का। सो मेरा ये कहना है कि जो भी आप खुद एनालाइज करिए, और जो मैंने जो ट्विटर हैंडल बनाया वो फेक अकाउंट्स काफ़ी बन गए थे, इस वजह से मैं एक अपना पर्सनल अकाउंट बनाया शुभम के आर अंडरस्कोर IAS है, आप फॉलो लो मत करिए ऐसे बता रहा हूँ, आप बस टेलीग्राम का चैनल फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वो साल भर जो है मैं वहाँ। अच्छा, ये टेलीग्राम भी 2-4 मैंने देखा है, आपके ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, कैसे समझेंगे उसका बताना पड़ेगा कि ये हमारा जो है यूजर नेम है जिससे देख सकते हैं, अदरवाइज आपका अभी भी सर्च करेंगे तो आपके पिक्चर लगे हुए, मम्मी पापा का वीडियो वगैरह वगैरह पूरा भरा पड़ा है सोशल मीडिया पे, तो आप निक नेम जो है वो बता दीजिए ताकि आपको जो है फॉलो उसी माध्यम से वो लोग कर पाए। टेलीग्राम पे चैनल का नाम है शुभम कुमार स्ट्रेटजी एंड नोट्स फॉर UPSC, बट ऐसा आपको 2-3 चैनल में मिल सकता है, तो उसका उसका लिंक में जाइएगा तो वहाँ पे एक काम करेंगे वो हम आप लोगों को बता देंगे, हमारा मिशन पिछली का भी चैनल है उस पर, और उस पर भी शुभम कुमार अवेलेबल रहेंगे जहाँ का आपको गाइड करेंगे, तो प्रॉपर जो है इसे मैं पूछकर आप लोगों को कन्वे कर दूंगा, या फिर जो भी हमें अभी यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हजारों जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता हो जाएगा, चैट बॉक्स में बता पाऊंगा। उसमें यह है कि शुभम SHUBHAM_KR_IS ये ट्विटर का भी हैंडल है और टेलीग्राम पे भी यही आईडी है, सो दोनों का सेम है। और जब आप टेलीग्राम पे जाएंगे तो वो मैं पर्सनली मैं लिखा हूँ, लंबा एक लिखा हूँ कैसे प्रीलिम्स अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, तो आपको पढ़ के लग जाएगा कि ये ऑफिशियल आईडी है, और वहाँ पे मैं अपने नोट्स भी शेयर करूँगा कि कैसे नोट्स बना रहा था, फिर मेंस के लिए भी जो भी लिंक वगैरह होगा जहाँ जहाँ कहीं भी मैं बोलूँगा वहाँ पे लिंक मैं शेयर करूँगा। और ये पूरे प्रिपरेशन में मैं YouTube देखता था, YouTube पे आपको काफ़ी सारे टॉपर्स के स्ट्रैटेजी मिल जाएंगे, सो एक तो आप स्ट्रैटेजी देख सकते हैं, और कभी कभी आपको मन नहीं लगता क्या करें मोटिवेशन के लिए, आप बस खाना खाइए और YouTube पे लगा दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन भी मिल जाता है ऐसे लोगों को देखते हुए, तो वैसा कर सकते हैं। वो क्वेश्चन है कि जितने टॉपर होते हैं उतने अलग अलग बुक लिस्ट होता है, अब बुक लिस्ट जो है आप क्या प्रिस्क्राइब करेंगे, PT के लिए मेंस के लिए दोनों ही ध्यान से सभी लोग जो है नोट डाउन कर देंगे ताकि ये यही पढ़ना है, ऐसा नहीं हो कि सब अलग अलग बताएंगे, मैं अलग बताऊंगा, ये अलग बताएंगे, या फिर जितने टॉपर अलग अलग बताएंगे, बुक सब अच्छी होती है लेकिन कौन सी सटीक टेक्स्ट बुक है वो आप बता दीजिए एक एक करके, तो ये लोग नोट डाउन कर लेंगे ताकि इनकी प्रिपरेशन सही दिशा में जा सके।
के सारे टॉपर्स कुछ ना कुछ अलग बताएंगे आपको, तो मुझे भी ऐसा डाउट हुआ कि शुरुआत में काफ़ी सारे वीडियोज़ देखा तो सारे टॉपर्स अलग अलग बता रहे हैं, बट एक कॉमन आपको थीम दिखेगा सारे टॉपर्स में कि सारे लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस किया होगा, मॉक टेस्ट अच्छा दिया होगा, सोर्सेज एक ही रेफर किए होंगे, आंसर राइटिंग एक ही जगह से दिया होगा, तो उस टाइप का रहता है। तो मुझे तो ऐसे 6-7 महीने लगे थे शुरुआत में डिसाइड करने में कहाँ से क्या पढ़ना है क्या नहीं करना है। तो ऐसा हुआ था कि 2018 में मैं कोचिंग किया था विजन आई से दिल्ली में, सो वहाँ पे जो बेसिक बुक्स होते हैं उसका वो जो है वो पढ़ा दिए थे क्लास में, तो इस वजह से मैं बेसिक बुक्स को भी ज़्यादा रेफर नहीं किया हूँ। बट जैसे मैं कहूँगा कि लक्ष्मीकांत है क्वालिटी में, सो वो मैं ऑलमोस्ट जो क्लास में जो सर पढ़ाए उसके अलावा जो टॉपिक्स रह गए थे उसको बस मैं रेफर किया। स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मैंने क्लास में नहीं पढ़ा, तो मैं स्पेक्ट्रम जो है स्पेक्ट्रम मैंने पढ़ा। देखिए ये आप डिफ्रेंशिएट करिए कि अगर क्लास में जो पढ़ाई हो गया तो मैं ज़्यादा उसको रेफर नहीं कर किया, मैं क्वेश्चन लगा के देखा, अगर मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो मैंने लक्ष्मीकांत के भी टॉपिक्स छोड़ दिए। तो अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको कॉन्फिडेंस जहाँ तक आता है वहाँ तक आप बुक को रेफर कर सकते हैं। फिर एंशियंट मीडियावल के मेरे खुद के नोट्स थे, आर्ट एंड कल्चर के खुद के नोट्स थे, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो मैंने सारे बुक लिस्ट देखा था और मैं फैसलाइज किया था कि जो न्यू एनसीईआरटी हैं क्लास 12th या 11th में 3 NCERT हैं तो वो आप रेफर कर सकते हैं, एंशियंट मीडियावल और मॉडर्न। वहाँ न्यू एनसीईआरटी से अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, काफ़ी लोग आपको बोलेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़ो, एंशियंट मीडियावल आर्ट एंड कल्चर का, फिर बोलेंगे तमिलनाडु का भी पढ़ो। मैं कहूँगा कि कोई एक चीज़ ही पढ़े, मोस्टली आप तो या न्यू एनसीईआरटी पढ़े या तमिलनाडु पब्लिकेशन का आता है वो पढ़े, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मेंस में बहुत लिमिटेड है, जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है जो 4-5 क्वेश्चंस आते हैं पूरा हिस्ट्री मिला करके पेपर वन में, तो 50-60 मार्क्स का पूरा वेटेज होता है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। प्रिलिम्स में हिस्ट्री का ओवरऑल 14 to 20 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी अच्छा वेटेज होता है, तो उसमें आप थोड़ा पढ़ सकते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है इकोनॉमी के लिए? सर इकोनॉमी में मैंने कोई बुक फॉलो नहीं किया था, मेरे कोचिंग के थोड़े नोट्स थे जो उसको आपने पढ़ा था। हाँ हाँ, और इसके अलावा देखिए इकोनॉमी जो है, मैं एक लाइन से बता रहा हूँ, अभी मैं प्रिलिम्स पे हूँ, मेंस पे मैं। यस सर, इकोनॉमी पे आप देखेंगे कि कुछ स्टैटिक पार्ट भी पूछता है लेकिन बहुत हद तक एक डायनेमिक पार्ट होता है। तो जैसे मैं न्यूज़पेपर अगर पढ़ता था तो सारे जो टर्म्स नए नए आते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी से थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है। सो